मेरी बच्ची का ख्याल रखना। क्या हुआ आपी, जरा से बात हुई आपकी? सही, उसे पड़ोसियों के घर छोड़ के खुद तो दुकान पर चले गए। माँ बाप के होते हुए मेरी बच्ची वहां बेआसरा पड़ी। दिमाग खराब हो गया जहीर का, मासूम बच्ची को रुला रहा है। अम्मी, मुझे ना आपकी बद्दुआ लगी है। जब जहीर मुझे घर से निकाल रहे थे और मैं दरवाजा पीट रही थी, तो मुझे लग रहा था जैसे जैसे नायाब मेरे सामने खड़ी है, वो मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझ पे हंस रही है। मैंने उस पे बड़ा जुल्म किया, उसके बेटे पे बहुत जुल्म किया, मुझे उन्हीं की बद्दुआ लगी है। अच्छा हौसला करना तू, बस कर दे ना, बस कर दे। मैं बात से कहती हूँ, वो समझाएगा जहीर को। जिस तरह रात इबाद मुझे देख के अपने कमरे में चला गया, वो जहीर से बात नहीं करेगा। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, किसी नदी नाले में डूब के मर जाना चाहिए था। ऐसा भी नहीं कर सकती, मेरी जोया का क्या होगा? आप ही हौसला रखें, ये जज्बाती बातों का वक्त नहीं है। देखिएगा, जहीर भाई को खुद अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें कोई एहसास नहीं होगा, मैं बेटा नहीं पैदा कर सकती, हमेशा ताना दिया उन्होंने मुझे। और जब से पता चला मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती, दिन रात मुझे कहते हैं मैं दूसरी शादी करूंगा तो मैं तलाक दूंगा। मुझे नायाब की बदबू लगी है। अच्छा बैठे इधर, मुझे अम्मी जोया को बुला लो प्लीज। बुला ले, सही है, हौसला रखे, सब ठीक हो जाएगा। बोलो ही बात को, मेरी जोया मुझे ला दे, मेरी जोया मुझे ला दे। मुझे आज ऐसा हुआ, माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, मुझे मेरी जोया ला दे। मैंने ना आपके साथ गलत किया, ना आपके साथ।